हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे और आलू का बहुत ही बढ़िया नाश्ता लेकर आई हूं। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, चटपटा और टेस्टी होता है। आपको जब भी कभी कुछ अच्छा खाने का मन करे तभी आप इसे बना सकते हैं। और दोस्तों बच्चों और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा के तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बाउल में हम 1.5 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। दोस्तों आप गेहूं के आटे की जगह आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया है एक क्रिस्पी नाश्ता बनता है। और साथ ही में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। इसे हम हाथों से क्रश कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 4 चम्मच डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। तो मैं इसे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं तेल और 1 चम्मच डाल रही हूँ, और ये देखिए उसके बाद हमारा आटा है बिल्कुल बाइंड होने लगा है हाथों में। जैसे ही हम इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे ये देखिए एक लड्डू की तरह हो जा रहा है। बिल्कुल हमें इसी तरह से आटे को मोइन डालना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो तैयार करूँगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे टाइट डो लगाना है, जैसे पूड़ियों के लिए हम डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर हम ज़्यादा अभी आटे को मसलेंगे नहीं, अभी बस हम इसे ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पे रख दिया है कढ़ाई, और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों ऑयल। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे राई यानी कि सरसों का दाना, और उसके बाद हम डालेंगे जीरा। जीरा और राई के तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे हींग 1/4 चम्मच या 2 चुटकी, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को हम इस तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे 1 मिनट तक, हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है, हल्का सा कच्चापन दूर करना है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ 2 चम्मच के करीब शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, जैसे गाजर, बीन्स, कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 मीडियम साइज का आलू, इसको हमने बॉईल करके मैश कर लिया है हाथों से। इसे भी हम डाल देंगे, और चम्मच से लगातार हम चलाते जाएंगे, जो भी है बड़े टुकड़ा उसे भी हम यहाँ पर तोड़ते जाएंगे, मैश करते जाएंगे चम्मच से। तो यहाँ पर अब हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर, और 2 चुटकी हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और इस नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसमें आमचूर का पाउडर 1/2 चम्मच डाल सकते हैं। अब तक हमने नमक नहीं डाला है, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। दोस्तों ध्यान रखें कि आटे में भी हमने नमक डाला है, तो यहाँ ध्यान से नमक डालें। अब ये स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में धनिया की पत्ती, और इसे भी चला देंगे। और अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलिए चलते हैं हम डो की तरफ। तक डो भी हमारा रेस्ट कर चुका है, और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। अब इसे हम खूब अच्छी तरह से इसे मसलेंगे अभी, जब तक ये चिकना ना हो जाए। तो मैंने यहाँ 2-3 मिनट के लिए मसल के इसे इस तरह से चिकना बना लिया है। और ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सख्त है, ये बिल्कुल भी नरम नहीं है। अब इसके हम छोटे छोटे लुई तैयार कर लेंगे, जैसे हम पूड़ियों के लिए लुई तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो लीजिए मैंने यहाँ कुछ लुई तैयार कर लिया है। अब एक तैयारी और करनी होगी। यहाँ पर हम 1 चम्मच आटा लेंगे, आटे की जगह आप मैदा ले सकते हैं, और इसका हम स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं बनाना है, और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। ये देखिए ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। अब हम नाश्ते का पॉकेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे 1 लुई और सूखा आटा लगाएंगे, और इसे बेलेंगे पूड़ी की तरह। ये देखिए इतना हमें पतला रखना है, ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है। अब इसको हम चौकोर शेप में कट करेंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से हमें चौकोर शेप में कट करना है, पर थोड़ा लंबाई रखना है हमें, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे स्टफिंग, आपके पॉकेट में जितना स्टफिंग आ जाए उतना आप डाल दें। और अब हमने जो सलरी बना के रखी है उसको हम यहाँ इस तरह से लगाएंगे अंगुली की सहायता से। ये देखिए बिल्कुल इस तरह थोड़ा थोड़ा हमें लगाना है, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए, और जब ये तेल में जाए तो बिल्कुल भी
बाहर ना निकले स्टफिंग। और साथ ही में हम एक फोक लेंगे और इससे इस तरह से हम डिजाइन बना देंगे। एक तो ये डिजाइन भी हो जाएगा और जब ये तेल में जाएगा तो खुलेगा भी नहीं। तो ये लीजिए दोस्तों, देखिए एक पॉकेट हमारा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें सारे पॉकेट को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ पॉकेट तैयार कर लिया है नाश्ते का और इसे हम अब फ्राई करेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पहले हम तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और नाश्ते को डालेंगे। और धीमी धीमी आँच में इसे हमें उलट पलट करते हुए फ्राई करना है। एकदम से हाई फ्लेम में हमें नहीं पकाना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, ये सॉफ्ट ही रह जाएंगे। इस तरह से हमें उलटते पलटते हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ये नाश्ता। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसी तरह हम सारे नाश्ते को फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमारा नाश्ता बनके तैयार है। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में भी और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बना है। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ये देखिए दोस्तों, है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, ये बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। आइए एक नाश्ता तोड़ के दिखाते हैं अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रंची है। तो दोस्तों ये नाश्ता आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करें, आपके बच्चों और फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।